कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर प्रदेश की जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और एक कंपनी को इस पूरे कार्यक्रम का टेंडर दिया गया है। सरकार नाम बताए किस कंपनी को और कितने करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे गुमराह करती है, जो 2018 का इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें भी उसका भी परिणाम, उसका भी नतीजा कुछ खास नहीं निकला, मात्र 9% ही इन्वेस्टमेंट आया। तो क्या अतीत के आधार पे हम कल्पना कर सकते हैं कि कल परसों 3 दिन के इस होने वाले समिट में इसका भी परिणाम क्या होगा? यही मुझे कहना था। आप लोगों को कुछ प्रश्न का है। उत्तर प्रदेश सरकार कल से 10-11-12 फरवरी को लखनऊ में एक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे पूरे शहर में। हमारा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं है, ये ग्लोबल इवेंट समिट है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, ये ग्लोबल इवेंट समिट है। ये सिर्फ एक इवेंट की तरह इस सरकार पिछले 10 महीनों से इस पे काम कर रही है। आपको बता दूं ये इवेंट क्यों है, क्योंकि इस सरकार ने इस समिट के लिए, ग्लोबल समिट के लिए सिर्फ सरकार का एक औद्योगिक मंत्रालय ने 320 करोड़ रुपए जारी किए इस समिट के लिए, 320 करोड़ रुपए। और मंत्रालयों ने कितने जारी किए होंगे उसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 320 करोड़ रुपए औद्योगिक विभाग के मंत्रालय ने शासनादेश से ये पैसे जारी किए। और इस इवेंट को, जिसको मैं इवेंट कह रहा हूँ, जिसे ये सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए इवेंट एजेंसियां हायर की गई। तो इस सरकार का लक्ष्य इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इवेंट पे है, और अतीत में भी देखा गया है कि बीजेपी की सरकार इवेंट पे ज्यादा जोर देती है। हम सरकार से कुछ सवाल करते हैं, कुछ जानकारियां आपको देंगे। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि सिर्फ औद्योगिक मंत्रालय ने 320 करोड़ रुपए समिट के लिए जारी किए, बिहार की है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वो कौन सी इवेंट एजेंसी है, वो इवेंट एजेंसी कहाँ की है, उसको कुल कितने रुपए का भुगतान किया जाना है, और उस इवेंट एजेंसी को चयन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। क्योंकि जो सूचनाएं मिली हैं उसमें इवेंट कम एजेंसी को काफी बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान हुआ है ये करने वाली। ये समिट पहला नहीं है बीजेपी की यूपी की सरकार के द्वारा। 2018 में 21-22 फरवरी 2018 को भी लखनऊ में ये समिट किया गया था। ये भैया बांटने को दिया था आपने, कोई सवाल कर उसके बाद। ये समिट जो है 21-22 फरवरी 2018 को लखनऊ में एक समिट आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने किया था। उस समिट में भी ये बताया गया था कि 4,28,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है, इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उसका MOU साइन किया गया था कुल 4,28,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 1,045 कंपनियां थी। जो 2018 में 4,28,000 करोड़ का MOU साइन किया गया था उसमें 145 कंपनियों का MOU था। कुछ समय बाद उस MOU पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई थी, जैसा आप लोगों को याद भी होगा, इसी लखनऊ में 2 बार हुई थी। जब एग्रीमेंट MOU हुआ तो 1,045 एजेंसियां थी। जब दोनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई जिसमें उनका भूमि पूजन हुआ
उस समय मात्र उस 1045 में से 371 कंपनियां आई, 371 कंपनियों का ही शिलान्यास हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ था औद्योगिक घराना, जिसमें 9196 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और नहीं 9196 लोगों को आमंत्रित किया गया था। प्रदेश सरकार ने में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें 6506 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और इसके अलावा 153 विदेशी कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। तो गुब्बारा इतना बड़ा बनाया गया था 2018 में और वही जो आउटपुट आया वो जीरो आया, इवेंटफुल इन्वेस्टमेंट जीरो। और आज भी बताया जा रहा है कि 13,000 लोगों से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, आ रहे हैं। तो ये देश की जनता को भरमाने का लगातार प्रयास जो बीजेपी की सरकार करती है, ये एक बड़ा प्रूफ है कि पिछले बार जो ये किए गए थे सम्मेलन समिट, इन्वेस्टमेंट समिट, उसका रिजल्ट भी कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं था। इतने पैसे तो अपने आप हर साल इस प्रदेश में 10-12 हजार करोड़, 13 हजार करोड़, 14 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हर साल इस प्रदेश में एवरेज होता है, उतना ही हुआ जितना होता था। तो ये कितना बड़ा, इतने दिनों से सरकारी सारे काम का छोड़ करके, जनहित के कार्यों को छोड़ के ये सरकार इवेंट करने में लगी। मेरा सीधा आरोप है कि ये भी उसी तरह से सिर्फ हवा बनाया जा रहा है लोगों का, अपनी विफलताओं से लोगों का अपना ध्यान हटाने के लिए इस तरह के इवेंट बड़े बड़े करती रहती है और प्रदेश सरकार का गरीब जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे का इसमें बर्बादी। अगर आप इतना दावा करते हैं तो आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ प्रचार और प्रसार है। आज जो लेटेस्ट जानकारी प्रदेश सरकार ने दी थी उसके अनुसार मात्र 106 कंपनियां ही अपना वाणिज्यिक संचालन कर पाई हैं 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट में। 4,28,000 करोड़ के जो एमयू हुए थे जिसमें 1045 एजेंसियां आई थी, उसमें से मात्र 106 कंपनी, ये जून 2022 तक प्रदेश सरकार के का ही ये आंकड़ा है, मात्र 106 कंपनियों ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन कर पाई, जिसमें लगभग इस 4,28,000 करोड़ के जो दावे किए गए थे उसमें से लगभग मात्र 9%। तो ये सिर्फ इवेंट ही है, दावा बड़े बड़े होते हैं, परिणाम जीरो आता है, इवेंट फुल और इन्वेस्टमेंट जीरो। ये सरकार करती है जनता के पैसे से जनता को गुमराह करने का ये नया कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू कर रखा है। पिछले लगभग 10 महीनों से उत्तर प्रदेश के तमाम मिनिस्टर्स, डिप्टी सीएम लगभग 17 प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं। हिंदुस्तान में लगभग हर बड़े शहरों में ये यूपी के मिनिस्टर और अधिकारी जा करके इस इन्वेस्टमेंट के लिए एमयू साइन कर रहे हैं और यहाँ तक कि रोजाना देखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ एग्रीमेंट हो जा रहा है। कल तक या दो दिन पहले तक एक दावा कर रही थी प्रदेश सरकार कि 21 लाख करोड़ रुपए का ये एमयू साइन हो गया। पिछले बार भी इसी तरह 2018 के दावों की मैंने आपको हकीकत बताई कि मात्र 9% ही इन्वेस्टमेंट आया, 1045 एमयू जो साइन हुए थे उसमें से मात्र 106 कंपनियां ही अपने मूर्त रूप धरातल में आई। मथुरा में हाई